मॉर्निंग चिल्ड्रेन, पढ़ाई हो रही है ना? फुल टाइम मस्ती नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। तो चलो आज पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंग, जो जेंडर भी एक नाउन का ही पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन हुआ पुल्लिंग और फेमिनिन हुआ स्त्रीलिंग। कोई भी नेमिंग वर्ड्स में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन, कोई भी नाम या तो स्त्रीलिंग हो सकता है या पुल्लिंग हो सकता है। मैस्कुलिन वर्ड्स आर यूज्ड फॉर मेल्स। मैस्कुलिन वर्ड्स जो है वो मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, या तो वो बॉयज हो सकता है या फिर मेन हो सकता है। फेमिनिन वर्ड्स आर यूज्ड फॉर फीमेल्स। फेमिनिन वर्ड्स फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो गर्ल्स हो सकती है या फिर विमेन हो सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड्स सीखते हैं कि कैसे मेल से फीमेल बनाया जाता है। ये ह्यूमन रिलेशन के बारे में मैंने कुछ दिया है, और इधर मैंने एनिमल्स के रिलेशन के बारे में कुछ जेंडर बताया है। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं। बी ओ वाई, बॉय। बॉय का होता है फेमिनिन। गर्ल क्या होता है? बॉय का गर्ल। फादर का मदर। ब्रदर का सिस्टर। सन का डॉटर। मैन का वुमेन। किंग का क्वीन। हस्बैंड का वाइफ। प्रिंस का प्रिंसेस। तो बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। गर्ल मीन्स लड़की। फादर पिता, मदर मतलब माँ। ब्रदर होता है भाई, और सिस्टर होता है होती है बहन। सन मतलब क्या होता है? बेटा। और बेटा का ये हो गया बेटी। मैन, मैन मीन्स पुरुष। और वुमेन, वुमेन मीन्स महिला। किंग, किंग मीन्स राजा। क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति। और वाइफ मीन्स पत्नी। प्रिंस मीन्स राजकुमार, और प्रिंसेस मीन्स राजकुमार। तो इसी तरह हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाना सीखे हैं। और आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स रिलेशन के बारे में बताया गया है। लायन का लायनेस, टाइगर का टाइग्रेस, बुल का काउ, डॉग का बिच, कॉक का हेन, फॉक्स का विक्सन, हॉर्स का मेयर, कैट का पुसी, डक का ड्रेक। तो ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको घर पर लर्न करेंगे, और आप जब स्कूल आएंगे तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है? बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।